हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहान ने शमी पर नए आरोपों की बौछार कर दी है। हसीन जहान ने आरोप लगाया है कि शमी कभी उनसे सुलह करना ही नहीं चाहते थे। अब अगर वो सुलह भी करना चाहेंगी तो शमी उन्हें मार देंगे। हसीन जहान ने बयान दिया, शमी पर मैंने आरोप नहीं लगाए बल्कि हकीकत बयां की है। शमी मुझसे कभी सुलह नहीं चाहते थे। अब अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वो मुझे मार डालेंगे। मैं भी उनसे कोई सुलह नहीं चाहती। हसीन जहान ने अपनी पहली शादी पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि शमी को पहले से ही पता था कि वो शादीशुदा हैं और उन्होंने ही मुझसे अपने दो बच्चों की बात छिपाने को कहा था। हसीन जहान ने कहा, शमी ने ही मुझे पहली शादी छिपाने को कहा था। शमी के परिवार को भी मेरे शादीशुदा होने की जानकारी थी। मुझे शमी ने कहा था कि अपने दो बच्चों के बारे में किसी को मत बताना, उन्हें सभी को अपनी बहन के बच्चे बताना। हसीन जहान ने शमी के खिलाफ BCCI की जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए। हसीन जहान ने कहा, मैं BCCI की जांच से संतुष्ट नहीं हूं। BCCI ने शमी के गलत कारनामे छिपाए हैं। BCCI मुझे अपनी जांच रिपोर्ट सौंपे। हसीन जहान ने कहा, मेरे पास लड़ाई के अलावा कुछ नहीं बचा है। अगर शमी का परिवार अच्छा होता तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, शमी ही मेरे पति हैं। आपको बता दें, देहरादून से लौटते वक्त शमी की कार का एक्सीडेंट हो गया था और उनके सिर पर चोट लगी थी, जिसके बाद हसीन जहां उनसे मिलने अस्पताल पहुंची थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि शमी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया।